यह घाट पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस घाट का नाम भगवान विष्णु के नाम पर पड़ा है। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ स्नान करते थे, इसलिए इसे विष्णु घाट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हर की पौड़ी की तुलना में इस घाट पर भीड़ कम रहती है। नमस्कार दोस्तों, मिंटू लाभ चैनल में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे विष्णु घाट हरिद्वार। कहा जाता है कि इस घाट में नहाने से पुण्य की प्राप्ति होती, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वही घाट, यही घाट है, देखो सब लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत तेज है, नहीं घुसने के लिए मना आइए नहाने के लिए। देखिए नीचे नहाने के लिए मना है और हम चैन से पकड़ के नहा सकते हैं। ये बना हुआ है, ये रेलिंग लगा हुआ है। हम बस यहाँ तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। वहाँ जाओगे मिलोगे नहीं। पहले प्रणाम करते उसके बाद पैर रखते। ओए दिया, हाँ गुड़ाच क्या बोल रहे हैं? ये गंगा मैया, हाँ आदमी से मिलेंगे पवित्र और निर्मल। नहीं वो भी अब देखिए, स्वच्छ और निर्मल जल माँ गंगा पवित्र धारा। माँ गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदान में हरिद्वार में ही बहती है। मुंडन संस्कार, सब पिंड दान किया जा रहा है। होटल न्यूज यहाँ सामने में ही होटल है, होटल भगवती निवास विष्णु घाट हरिद्वार। आप यहां पर आना चाहे तो पहले से बुकिंग कर सकते हैं। यहां का नज़ारा ऊपर से बहुत सुंदर दिख सकता है। कैसा है दीदी रेट इसका? प्राइस 20 रुपये दिया के साथ जी। माता गंगा जो कि हिमालय से निकलकर पर्वतों से चीरकर सबसे पहले मैदानी एरिया में पहुंचती है, वो है हरिद्वार। इसीलिए यहाँ का जल निर्मल स्वच्छ और सुंदर रहता है। लगता है गंगा के बहाव को रोकने के लिए इस घाट में सुरक्षा अवरोधक भी लगाए गए हैं। इन आयरन के बने बैरियर को पकड़कर गंगा में प्रवेश करना है। विष्णु घाट के प्रमुख घाटों में से एक है। तीर्थयात्री और भक्त इस स्थान पर आते हैं और अपने पापों को दूर करने के लिए पवित्र गंगा में प्रवेश करते हैं। विष्णु घाट के पास अच्छे होटल और गेस्ट हाउस भी मिल सकते हैं और हम लोग भी इसी घाट के पास रुके थे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हर हर गंगे।